राशि गीत कौन सा हमारा? सुखराम वरदम मातरम वंदे। कौन सा है राशि गीत? जनगणमन। राष्ट्र की जनगण मन है, आपको क्या लगता है? आप ये कोई कंटेंट नहीं होता सर, क्या क्या है? ऐसे कट कर देंगे फिर क्या है? हां राष्ट्र गीत क्या है? नहीं पता, आपको पता है राष्ट्र गीत? राष्ट्र गीत नहीं। कौन सा हमारा? क्या राष्ट्र गीत नहीं पता? राष्ट्र गीत जनगण मन। राष्ट्र गीत पता है? नहीं। सिर्फ पूछना है कि राष्ट्र गीत कौन सा है? जनगणमन हमारा राष्ट्र है। देश की आजादी के समय में बहुत सारे लोगों का योगदान रहा, जिसमें से बहुत से साहित्यकार थे जिन्होंने ऐसे ऐसे गीत लिखे जिन गीतों की वजह से देश में, देश के नौजवानों में एक जज्बा, एक खून जो उनका खौल जाता था और एक जुनून, एक जोश आ जाता था। तो ये जो जोश और जुनून था ये बहुत सारे गीतों में हमने देखा और उनमें से एक गीत था हमारा राष्ट्र गीत वंदे मातरम, जिसे बाद में हमारा राष्ट्र गीत भी बना दिया गया। ये गीत लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी, या इन्हें बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय भी कहते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी ने ये गीत लिखा था और ये गीत जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने सबसे पहले इसको गाया था। आज हम यहाँ पर अपने हिंदुस्तान के बच्चों से यही जानने की कोशिश करेंगे कि वो हमारे इतिहास के बारे में कितना जानते हैं और वो हमारे भारत, भारतीय संस्कृति और भारत की तमाम चीज़ों के बारे में कितना जानते हैं। तो क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, कहाँ जा रहे हो यार, डरते हो सवालों से क्या? नहीं नहीं नहीं। तो चलिए एक सवाल ये है, राष्ट्रगीत के बारे में जानते हो क्या? क्या है, कौन सा है राष्ट्रगीत? जनगणमन। राष्ट्रगीत जनगणमन है, आपको क्या लगता है? सही कह रहा। सही कह रहा है। किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर। ओहो, आपको पता है? बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था राष्ट्रगीत। राष्ट्रगीत क्या है? राष्ट्रगीत वंदे मातरम। ये कह रहे हैं राष्ट्र, ये कह रहे हैं जनगणमन। नहीं, वो राष्ट्रगान है। अच्छा जी, आप जानती हैं? जी। अच्छा, बंकिम चंद चटर्जी को जानती हैं आप? हाँ जानती हूँ। ठीक है, तो उन्होंने ये राष्ट्रगीत जो लिखा था इसमें कितने स्टेंजा है? इतना नहीं पता। राष्ट्रगीत पता है वैसे आपको? हाँ राष्ट्रगीत पता है। सुना सकते हैं थोड़ा सा? वंदे मातरम वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम शोभ्रा ज्योत्सना पुलकितयामिनी फुल्लकुसुमिता दुर्मदुल शोभनी सुहासिनी सुमधुर भाषिणी सुखदाम वरदाम मातरम वंदे मातरम। वेरी गुड, वेरी नाइस। क्या नाम है आपका? कुलसुम। कुसुम? कुलसुम। कुलसुम जी, वेरी नाइस, थैंक यू। कुलसुम, आप जानती है राष्ट्रगीत के बारे में? राष्ट्रगीत क्या है? नहीं पता, आपको पता है राष्ट्रगीत? आपको पता है? नहीं नहीं पता। आपको पता है राष्ट्रगीत? राष्ट्रगीत पता है आपको? क्या राष्ट्रगीत? नहीं नहीं। हमारा राष्ट्रगीत कौन सा है? क्या जी? राष्ट्रगीत कौन सा हमारा? नहीं मालूम। राष्ट्रगीत कौन सा हमारा? क्या राष्ट्रगीत? नहीं पता। लो, ये साहब बच्चे हैं, ये प्रदेश का एक ऐसा। हाँ जी, राष्ट्रगीत पता है आपको? क्या राष्ट्रगीत? जनगणमन। जनगणमन राष्ट्रगीत पता है आपको? क्या राष्ट्रगीत? राष्ट्रगीत पता है? नहीं नहीं पता। राष्ट्रगीत नहीं पता? क्या है? हाँ क्या है? वंदे मातरम। वंदे मातरम किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में और क्या जानते हो? उन्होंने राष्ट्रगीत लिखा। और क्या नाम है उनका? बंकिम चंद्र चटर्जी जानते हो? नहीं। राष्ट्रगीत, राष्ट्रगीत कौन सा हमारा? वंदे मातरम। किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी। कब लिखा था? अब ऐसे ये नहीं पता कब लिखा था। याद है आपको? याद है, मतलब कितने स्टेंज हैं? ऐसे याद नहीं है, किसने लिखा? कितने स्टेंज हैं उसमें? कितने स्टेंज हैं? 6-7 कितने हैं? 5 है। 7 करोड़। आपको पता है क्या बंकिम चंद्र चटर्जी कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी नहीं पता? पता क्या कौन है? वो क्या नाम, उन्होंने वंदे मातरम लिखा है। वंदे मातरम लिखा है? वंदे मातरम में कितने संज्ञा है? नहीं पता। नहीं, श्योर नहीं है। सात होंगे। हाँ, आपको क्या लगता है? क्या राष्ट्रगीत किसने लिखा? राष्ट्रगीत सुने गया रविन्द्रनाथ टैगोर ने। रविन्द्रनाथ टैगोर ने? हाँ। कौन सा है राष्ट्रगीत, सुनाइए। अभी हमें लंच का टाइम हो गया, लंच करने दीजिए। नहीं।
अच्छा अभी आप लंच के टाइम पे तो आए हैं। अच्छा छुट्टी में आइए, सुबह आइए। सुबह आएंगे तो कोई और लिखेगा। नहीं लिखने की बात नहीं है, अभी लंच का टाइम है, हाथों के हम लंच कर रहे हैं यार, यहाँ पे आगे तुरंत के राष्ट्र की। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। अच्छा कौन सी कोचिंग का? आपके ऊपर तो कुछ भी कोचिंग नहीं लिखा है। ठीक है, नहीं कोई बात नहीं है, मुझे कोचिंग का नहीं, मुझे देश का नाम ऊंचा करना है, इसलिए पूछ रहा हूँ। तो देश के लिए कुछ करिए ना। हाँ तो देश के लिए आप बताइए ना, देश के लिए तो पूछ रहा हूँ। आपको कंटेंट नहीं मिला इसलिए आप यहाँ पे आ रहे हैं। आज आपको मालूम है मैं क्या कह रहा हूँ? कोई फायदा ना है, बेइज्जती कट कर दी। गजब बेइज्जती है। एरिया स्क्वायर आप बता दो। आज एरिया स्क्वायर आप बता दो। आपसे कुछ नहीं पूछ लिया। 26 जून है, 27 जून है। 26 और 27 जून को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का, यानी बंकिम चंद्र चटर्जी का जन्म दिवस होता है, उनकी जन्म जयंती है, और उन्होंने हमारा राष्ट्रगीत लिखा था जो कि होता है वंदे मातरम। और इसमें 5 स्टैंजास थे। नहीं मैं आपसे 5 मैंने सही बताया। आपने पूछ लिया हमने कह दिया नहीं आता, हम भी तो आपसे पूछ रहे हैं। एरिया में स्क्वायर बताइए। मैं तो स्टूडेंट हुई नहीं ना, तो आप पढ़े तो आप स्टूडेंट हैं तो आपको ये काम में आने वाली चीज है। मतलब हम भी तो थोड़ा पूछे, हम भी तो ये सोचे कि आपको कितना नॉलेज है। आप तो कल को हमें ऐसी कोई चीज लेके बैठे जो भी, अभी आपको ये नहीं आ रहा, लंच करने जा रहे हैं भाई साहब, आप आगे के लिए ये बता दो। बंदा वैसे शौक हो जाए कि पूछ क्या रहे हैं। बड़ा हरामी हो बेटा। एकदम से आ गया जंपे लेके। कुल मिला के ये आपको कंटेंट ढूंढना था जो आपको, बस यही है जो आजकल का टाइम चल रहा है, जो करंट चल रहा है। आप करंट अफेयर्स में तो पढ़ते होंगे ना? जीके पढ़ते हैं, जीएस पढ़ते हैं? जी अभी नहीं पढ़ते। क्या पढ़ रहे हैं? आईआईटी कर रहे हैं। अच्छा आईआईटी कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? नीट। आप नीट कर रहे हैं, आप डॉक्टर बनेंगे? आप हम भी नीट कर रहे हैं। अच्छा और आप क्या कर रहे हैं? बोर्ड कर रहे हैं, कॉमर्स। कॉमर्स से? अच्छा और आप? हम तो पीसीबी कर रहे हैं। अरे हम जो पीसीबी कर रहे हैं, जवाब दे दीजिए। ये पीसीबी का मतलब क्या है? नीट कर रहे हैं, बायोलॉजी होता है। बायो मतलब नीट नहीं कर रहा, बायो कर रहा है। बायो सपोर्ट से करता हूं जी। नहीं मुझे नहीं आता, आप बताइए। आप बता दीजिए हमसे। आप मुझे नहीं आता ना, नहीं आता ना, मैं बोल रहा हूं ना, मुझे नहीं आता। क्या होता है? साइड स्क्वायर। अच्छा और बस यही होता है, यही होता है। लंच कर लेते, अपना लंच हो गया। अब क्या लेकर आए लंच में? देखो हम लंच में दूध है और चावल। लड़का तो पूछो कुछ जवाब नहीं होता। अंदर चलो, हाँ चलो 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 अंदर आ गए। बच्चन तो पूछो, ये सब ये ढंग से बताएंगे ये नहीं। गर्ल्स अभी जानती है, गर्ल्स को पता है इधर वाली। आपको पता है राष्ट्रगीत कौन सा है? वंदे मातरम। वंदे मातरम तो किसने लिखा था? ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने। कब लिखा था ये नहीं पता? ठीक है आप सुना सकते हैं? कितने स्टैंजा हैं उसके अंदर? राष्ट्रगीत है या राष्ट्रगान? क्या वंदे मातरम? हाँ। राष्ट्रगीत है। थैंक यू। हम बच्चों से ये पूछ रहे हैं कि राष्ट्रगीत जानते हैं कि नहीं जानते हैं, आप बताइए। क्यों नहीं जानते? बिल्कुल जानते होंगे, क्यों नहीं जानते बच्चे? नहीं कुछ लोग बता पा रहे, कुछ नहीं बता पा रहे। पूरा आपको बोलना है? नहीं सिर्फ पूछना है कि राष्ट्रगीत कौन सा है। नहीं राष्ट्रगीत पूछ रहा हूँ। वंदे मातरम किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी।
यही पूछ रहा हूँ बस बच्चों से, ये छोटा क्वेश्चन तो बता सकते हैं ना, ये यही तो नहीं बता पा रहे हैं। आपने किससे पूछा? मैंने इन सारे बच्चों से पूछा था। नहीं नहीं, आप पूछिए जिससे आपसे पूछिए। 10-15% बच्चों ने बता पाया। नहीं नहीं, जिससे आप पूछे सब बताएंगे। आपके दो क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन का आंसर देंगे। आप पूछिए, आगे बढ़ते जा रहे हो कि फिर कब लिखा, कैसे लिखा, अब ये कितने स्टैंडर्ड में, मतलब नहीं। अच्छा, ऊपर आते हैं। इसी के साथ आज की मजदूरी यही खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए कैसे ना कैसे करके, मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिला हूं। मुझे चाहिए ही चाहिए, तो लाइक मारो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो, या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।